चलिए सर, हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड है स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। मतलब सर, इस पार्ट में हमें यह जानना है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। पहले क्या जानेंगे सर? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है स्पेस लैटिस, और कुछ लोग प्यार से भी बुलाते हैं ने लैटिस। सर आप सभी को मतलब पता होगा लैटिस का मतलब जाल। कह दो सर हमें कुछ ना पता, आप बता दो लैटिस का मतलब होता है जाल। अब इसमें क्रिस्टल में जाल कैसे बिछाया जाता है? क्रिस्टल का जाल हम अगर कहें कि जब 3D स्पेस में, ये आपके आसपास जितने भी खाली जगह है ना, ये 3D स्पेस है, तो इस स्पेस में जब हम पार्टिकल को रखें या मतलब पार्टिकल को क्या करें, अरेंज करें, तो जो अरेंजमेंट हमें मिलेगा उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं सर? हाँ, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, हम स्पेस में हम रखते तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो फिर ठहर ही नहीं पाएंगे। तो अब हमें 3D चीज को 2D में दिखाना है, बोर्ड में दिखाना है, तो बोर्ड में तो 2D होता है ना, तो हम दिखा सकते हैं ऐसे। चलिए देखिए, हमने ये पार्टिकल को अरेंज किया, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पार्टिकल ही है सर। पार्टिकल का से पॉइंट जैसा होता है क्या? नहीं, पर ये पॉइंट है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल को। अगर हम ये इंसान बना दें ऐसा खड़े बालों वाला, तो क्या ये इंसान हो गया? नहीं, पर ये इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है समझाने के लिए। ऐसे ही पॉइंट का मतलब यहां पे क्या है? पार्टिकल। तो हमने देखिए अलग अलग तरीके से अरेंज इसे कर सकते हैं। हमने पार्टिकल को ऐसे रख दिया, सीधी लाइन रखा, फिर दूसरी लाइन जो बनाई हमने पार्टिकल को इस दो पॉइंट के बीच में रखा, फिर यहां 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 ऐसे रखा, फिर सीधी लाइन बना दी, फिर इन दोनों के बीच में रखा, इन दोनों के बीच में। तो आप और भी अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सर आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? आपने जैसी पहली लाइन बनाई बिल्कुल वैसी दूसरी लाइन बना सकते हैं, फिर वैसी तीसरी, वैसी चौथी, ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी अरेंजमेंट कहलाता। तो कुल मिला के स्पेस में जब आप पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और जिस जगह पार्टिकल रखे हैं, जैसे ये पॉइंट है, जिस जगह पार्टिकल रखे हैं, तो ये लेटेस्ट पॉइंट कहलाएगा, या लेटेस्ट साइट्स भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट साइट। मतलब जहां जहां पार्टिकल रखे हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेस्ट साइट। जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घर। ऐसी जहां पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उसे लेटेस्ट साइट। आ गया सर समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं सर क्या? यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं? यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल क्या होता है? इसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है। ये क्रिस्टल लैटिस दिख रही है, इसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट एंटायर लैटिस। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है, जिसे दोहराने पर या कई सारे यूनिट सेल को आप मिला दो तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। सर जैसे एग्जांपल आपने दीवार देखी होगी, तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ब्रिक्स से। तो कई सारे ब्रिक्स को मिला दो आप अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगी? दीवार फिर से बन जाएगी। तो यहां पे दीवार क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और जो उसका सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? ब्रिक, वो है यूनिट सेल। जैसे ये ब्रिक जैसा शेप दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अब बताइए, अगर ये यूनिट सेल, ये सबसे छोटा ब्रिक है और इसी को हम यूनिट सेल बोल रहे हैं। अब ऐसे ही हम ब्रेक बहुत सारे लगाते हैं, मतलब कितने ब्रेक लगा सकते हैं हम यहां से? एक एक इस तरफ, दो इस तरफ, तीन, चार, पांच, और हम ये छह, तो छह लगा सकते हैं। फिर उन छह के भी और, मतलब ऐसे कई सारे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल विच रिपीटेड इन अलग अलग डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन एंड फॉर्म पूरा क्रिस्टल एंड फॉर्म एंटायर लैटिस। सर इसमें आप सर कैसे दिखाएंगे? इसमें तो हमें कुछ ना दिख रहा, इसमें सबसे छोटा पोर्शन क्या दिख रहा है? सर देखो हम दिखा दें आपको सबसे छोटा पोर्शन, देखें सर बिल्कुल जरा ध्यान से देखें। ये सर लो, आप दिखने लगा कुछ कुछ दिख रहा है सर हमें कुछ कुछ। चलिए आप जरा ध्यान से देखें, ये क्या बन गया सर? ये तो बन गया क्यूब। और सर कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए और भी सर बिल्कुल, ये भी दिख रहा है, देखिए एक और बन गया। और कुछ दिख रहा है सर? बिल्कुल देखिए, ये देखिए बन गया। तो इसका मतलब ये देखिए क्रिस्टल किससे मिलके बने? बहुत सारे क्यूब से। क्रिस्टल, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस किससे मिल गया ना? बहुत सारे क्यूब से। तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? एक क्यूब, ये। तो ये अकेला या फिर ये अकेला, मतलब बहुत सारे क्यूब को मिला दें तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। इसका सबसे छोटा हिस्सा बताओ कौन सा? ये वाला सर, या ये वाला, या ये वाला। क्लियर है? सबसे छोटा हिस्सा, तो हम इसे यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल।
अच्छा बताओ पूरा क्रिस्टल कैसे, ऐसे बहुत सारे क्यूब मिला दो तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो एक बात समझ में समझना कि जो सेप यूनिट सेल का होगा वही सेप क्रिस्टल का होगा, जो सेप यूनिट सेल का होगा वही सेप क्रिस्टल सेल क्रिस्टल का होगा। अब सर एक चीज दिमाग में आती है, सब यूनिट सेल के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी जनरली क्रिस्टल की होगी वही प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी, और यूनिट सेल को पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। तो यूनिट सेल के बारे में आप पढ़ के क्रिस्टल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वजह से हम स्टडी किसकी करते हैं? यूनिट सेल की। और हम यूनिट सेल की स्टडी से उस क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है सर? हम स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं पैरामीटर्स? जैसे कपड़े सिलने के लिए लंबाई चौड़ाई सब कुछ चाहिए होगी, तब जाके कपड़े सिलते हैं। पढ़ने के लिए सर पेन कागज और मतलब दिमाग तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, और कॉपी वगैरह होनी चाहिए, तब जाके आप पढ़ पाओगे। तो ऐसे ही सर यूनिट सेल को पढ़ने के लिए, यूनिट सेल की कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर की जरूरत होगी? तो पहले तो देखो यूनिट सेल बना है यहाँ पे। अब कुछ लोगों के दिमाग में से देख के आता सर ये क्यूब है। देखो अभी हम बताएंगे ये क्यूब क्यों नहीं है, हो सकता है पर ये क्यूब नहीं है। ये आप देख रहे हो ये क्यूब जैसा दिख रहा है, और जिसमें ये साइड दिख रही है ये क्या है? एज लेंथ है। ये ए है और ये क्या है? बी है। और ये एज लेंथ क्या है? सी। और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ए और सी के बीच में जो एंगल है उसे अल्फा, और यहाँ बी और सी के बीच में बीटा, और इसके इसके बीच में गामा। ये तीन एंगल है। तो एक बात बताओ, अगर ये ए बी सी तीनों बराबर हो जाती है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होकर 90 डिग्री के हो जाए तो ये क्यूब कह सकते? तब तक क्यूब हम कह नहीं सकते। अभी ये यूनिट सेल है, हम कह सकते हैं यूनिट सेल क्यूब हो सकता है, पर कब? जब ये तीनों साइड इक्वल हो जाए, एंगल 90 डिग्री के हो जाए। आगे समझे? पर अभी इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ यूनिट सेल है। अब बताइए इसको पढ़ने के लिए मैं कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं? सर छह। एक तो ए बी और सी ये साइड होगी, और अल्फा बीटा और गामा ये क्या हो गए? एंगल। तो यूनिट सेल को पूरा पढ़ने के लिए हमें छह पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। देयर आर सिक्स पैरामीटर रिक्वायर्ड टू स्टडी द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के यूनिट सेल के बारे में पढ़ने के लिए हमें कितने पैरामीटर जरूरत होगी? छह। तीन एक्सियल साइड्स होंगी हमारी ए बी सी, और तीन एक्सियल एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा। तो समझ में आ गया? बताओ एक रिव्यू में बता देना। क्रिस्टल लैटिस पार्टिकल को अरेंज कर दो स्पेस में, उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। यूनिट सेल क्रिस्टल का सबसे छोटा पोर्शन जिसको दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बन जाए। यूनिट सेल को क्यों पढ़ते हैं? यूनिट सेल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनिट सेल को पढ़ने से हम क्रिस्टल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अच्छा क्रिस्टल का शेप क्या होगा? जो यूनिट सेल का शेप होगा वही क्रिस्टल का शेप होगा। क्लियर है? आप बताइए दूसरी बात सर, यूनिट सेल को पढ़ने के लिए कितने पैरामीटर सी होते हैं? छह पैरामीटर, तीन साइड और तीन एंगल। कौन सी साइड? ए बी सी, और तीन एंगल अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ यूनिट सेल। लिखिए फिर उसके टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं लोग। चलिए चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को सर दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। इन दो तरीके से हम यूनिट सेल को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब सर करना क्या है, पहले हमें इन दोनों को पढ़ने से पहले, इन दोनों क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ें, उससे पहले हमें यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए याद। सर क्या? यूनिट सेल क्यूब जैसा दिखते हैं, तो मैंने यूनिट सेल कई सारे बना लिए और उनकी कुछ प्रॉपर्टी जाननी है। सर क्या? पहली प्रॉपर्टी कॉर्नर। यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं? आप सभी को दिखा है इसमें कॉर्नर कितने दिख रहे हैं? सर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ये आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में आप कॉर्नर रूम में देख रहे हैं सर कितने कुन्ने हैं, ऐसा नहीं देखना है, आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? सर 8 होते हैं। क्लियर है? अब वो यूनिट सेल क्यूब हो, टेट्रागोनल हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसी टाइप का होगा उसका। चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं फेस की। फेस क्या होते हैं? सर फेस होती है इनकी दीवारें। जैसे एक कमरे में कितनी दीवारें होती? अब किसी के कमरे में कुछ कम दीवारें, तो इसमें देखो एक ये होगी, दो तीन चार पांच छह, क्या? तो सर मैं बिल्कुल समझ नहीं आई अपने कौन कौन से बोल दी। ये देखो यूनिट सेल है मान लो, तो एक बात बताओ, एक ही ऊपर दीवार है, एक एक नीचे है सर, दो ये है, तीन और ये है, चार, और वहीं दिख रही सर बिल्कुल आपके सामने ये पांच, और ये एक यहाँ पे ये छह, तो कितनी दीवारें हो गई? छह। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। अब आता है सर बात एजेस की। एजेस का मतलब ये लेंथ दिख रही है आपको, ये तो ये क्या होती है बेटा? एजेस होती है ये एक, ये कितनी हो गई? दो,
तीन और ये चार, कितनी होगी चार, और ये पांच छ सात और आठ, आठ ही है क्या सर? नहीं, नाइन मतलब नौ दस ग्यारह और बारह, तो एजेस कितनी होती है बारह। तो इतना समझ में आया सर, कॉर्नर कितने होते हैं आठ होते हैं, फेस छह होती है, और हमारी एजेस कितनी होती है बारह, किसी यूनिट सेल में कॉर्नर एट फेस छह और एजेस बारह। अब सर दो वर्ड हम लोग को और जानने हैं क्या? अच्छा एक चीज और रह गई है, मैं आपको लिख दूं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है बेटा? क्यूब का सेंटर, आप सभी को पता होगा क्यूब का सेंटर एक ही होता है, अरे हर चीज का एक ही सेंटर होता है, तो क्यूब का भी सेंटर कितना होगा एक ही, बीच में, तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं वन, क्लियर है। अब आते हैं सर डायगोनल की बात, किसकी डायगोनल? डायगोनल दो तरीके के होते हैं, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के बोर्ड में आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि फेस डायगोनल कितने होते हैं और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नंबर याद कर लेना, ठीक है सर। फेस डायगोनल आपको दिख रहा है, ये फेस एक, बिल्कुल है सर, तो एक फेस में डायगोनल पता कर लो आप। तो देखो एक फेस में कितने डायगोनल, एक और ये दो, तो एक फेस में दो डायगोनल होती, तो कितने फेस होते हैं सर छह, एक फेस में दो तो छह फेस में बारह, तो बारह फेस डायगोनल होती सर। आगे समझ में? अब सर क्या होता है बॉडी डायगोनल? अच्छा बॉडी डायगोनल क्या होता है? जो बॉडी सेंटर से जो डायगोनल होके गुजरे, बॉडी सेंटर से जो डायगोनल होके गुजरे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बॉडी सेंटर डायगोनल या बॉडी डायगोनल। सर कौन सी होती है जरा ध्यान से देखो, ये क्यूब दिख रहा है कॉर्नर, इसके अपोजिट कौन सा कॉर्नर है? ये वाला सामने वाला। जैसे अगर हम लोग बोले कि ये है, मान लो ये है, तो इसके अपोजिट कौन सा है ये, तो ऐसी इसके अपोजिट सर आपको कौन सा दिख रहा है? तो इससे आपने मिला दिया, ऐसी इसके अपोजिट कौन सा दिख रहा है? तो ये कितने डायगोनल हो गए दो। ऐसी अगर हम बात करें तीन, इसके अपोजिट कौन दिख रहा है सर ये, तो चार, मिला नहीं रहा हूं तो आप याद रख लिए, तो चार डायगोनल हो गए। ऐसे यहां पांच, पांच से कितने हो जाएंगे यहां पे छह, तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं सर छह होते हैं, सॉरी चार होते हैं, कितने होते हैं चार, कैसे सर? एक दो, क्लियर है, और एक तीन और एक ये चार, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए चार हो गए। आगे सुनने, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बताइए क्या, कॉर्नर एट, एजेस कितनी होती है बारह, फेस कितने होते हैं छह, और बॉडी सेंटर एक, फेस डायगोनल बारह, और सर बॉडी डायगोनल चार। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए यार। अब हम लोग सर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ लैटिस पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। तो सबसे पहले सर हम लोग क्लास, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सर। कौन सा पहला क्लासिफिकेशन बताइए, पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है सर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट तो आप सभी को याद है कि पार्टिकल कहां रखे रहते हैं, पार्टिकल कहां। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अब हम लोग पार्टिकल ही बोलेंगे, अब हम लोग एटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे एटम, क्लियर है, अब हम लोग एटम को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऑन द पोजिशन ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट वो होते हैं जहां एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो एटम कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे यूनिट सेल को कितने भागों में बांटा गया सर? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। देखो यहां पे एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, कौन सा सर? प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सर कौन सा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सर नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है सर? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो समझ में आया कि सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट यूनिट सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया। यूनिट सेल को कितने टाइप में? दो टाइप में। पहला है सर प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। और प्रिमिटिव का दूसरा नाम होता है बेटा सिंपल यूनिट सेल, क्या नाम होता है? सिंपल यूनिट सेल। आगे समझ में? क्लियर है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर ये सिंपल क्या होते हैं और ये सेंटर्ड क्या होते हैं। तो जब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कहां प्रेजेंट हो बेटा? कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, यूसी लिख दे रहा हूं यूनिट सेल के लिए, जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उस यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं। सर बनाइए जरा इसका स्ट्रक्चर, बिल्कुल जरा ध्यान से देखिए। तो ये है सर, ये हमने यूनिट सेल बना लिया। चलिए अब यूनिट सेल में एटम कहां प्रेजेंट है? सिर्फ कॉर्नर पे, मतलब यहां 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 यहां। तो ये यूनिट सेल हमारा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया सर? हाँ ये कौन सा हो गया हमारा? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बताइए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती? व्हेन एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे हो तो उसे सिंपल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताएं इसमें लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं?
एलपी का मतलब क्या है, लेटेस्ट पॉइंट। चलिए मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं इसमें, कोई बता सकता है इसमें? सर देखो लेटेस्ट पॉइंट का मतलब कितनी जगह एटम रखे हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितने कॉर्नर है उतने ही लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। सर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? ये ऐसे यूनिट सेल होते हैं जो कहते हैं कि एटम कॉर्नर पे तो होंगे। देखिए सारे यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, इसमें कॉर्नर पे भी होते हैं एज वेल एज द सेंटर ऑफ अदर पोजिशन, मतलब कॉर्नर और ऑर्बी साइड्स पे होते हैं। क्लियर है, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये तो मान लो, कॉर्नर के अलावा भी कहीं और भी होंगे। क्लियर है, तो सुनिए, तो इसको भी क्या किया गया सर, डिवाइड किया गया। क्या किया गया? डिवाइड। पहला हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे सर? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि आपको पता होगा फेस सेंटर्ड सर, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। देखो जरा ध्यान से, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप इससे ही समझ लेना, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम समझ लेंगे, ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। लो सर कॉर्नर बना दिए हमने, कॉर्नर पे होंगे और हर फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे, मतलब ऊपर होगा तो नीचे होगा, इस तरफ होगा तो इस तरफ और सामने। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा हो गया? फेस सेंटर। फेस सेंटर यूनिट सेल होता है जब कॉर्नर पे और ईच फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड ही नाम है, कॉर्नर पे हो और हर फेस के सेंटर पे हो। तो बताइए सर इसमें लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे? लेटेस्ट पॉइंट, सर लेटेस्ट पॉइंट का मतलब एटम कहां कहां प्रेजेंट है। कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8। काउंट करने से अच्छा आपको पता होना चाहिए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो 8 हो गए। और हर फेस के सेंटर पे, तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6। तो कितने हो गए लेटेस्ट पॉइंट? 14। आ गया सुनने सब? बिल्कुल आ गया। अब सर हम लोग बात करते हैं दूसरे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है सर? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिख रहा है ना आपको? तो सर टेढ़ा जा रहा है आपका, अच्छा ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका स्ट्रक्चर बना, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको? तो सर हमें सब क्लियर हो गया एक बार में, हाँ। मतलब ऐसे यूनिट सेल जिनमें एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये तो दहेज में है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और कहां होंगे? क्यूब के सेंटर में, मतलब बॉडी सेंटर में। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे सर, बताइए क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। दोज यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ क्यूब, ये एज वेल एज द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। क्लियर है? आप इसे लिख भी लेना, ठीक है। तो सर इसमें लेटेस्ट पॉइंट आप बता सकते हो? बताओ लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे? सर 8 कॉर्नर हो गए और एक बॉडी सेंटर, तो 9 हो गए। कितने हो गए सर? 9। आखिरी बचा है सर आपका एंड सेंटर्ड, कौन सा बेटा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए बनाते हैं सर, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है? यूनिट सेल बनाया पहले, क्या बनाया? यूनिट सेल बना दिया। यूनिट सेल का साइज छोटा ही होता जा रहा है, पहले ऊपर बड़ा, ये छोटा, ऐसा तो कुछ नहीं, सारे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। अब देखो देखो एंड सेंटर कोई भी कॉर्नर पे तो मतलब होना ही होना है, वो तो दहेज में है, वो तो होंगे ही। अब एंड सेंटर का मतलब है कि कोई भी दो अपोजिट फेस में, अगर मान लो ऊपर है तो ऊपर के अपोजिट कहां होगा? नीचे। तो कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस, तो दो यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट कहां? एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज द एनी टू अपोजिट फेस, कॉर्नर पे हो और कोई भी दो अपोजिट फेस में हो। तो सर लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए इसमें? 8 कॉर्नर हो गए और दो अपोजिट फेस, तो कितने हो गए? 10। तो आ गया समझ में आपको? बिल्कुल आ गया सर। तो ये चीजें आप लिख लो, फिर हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बताओ ऑन द पोजिशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट यूनिट सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया सर? दो टाइप में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, या फिर सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, कहां? यूनिट सेल में। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं जिनमें कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज अदर साइड। इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। फेस सेंटर को हम लोग एफ सी लिख सकते हैं, इसको बीसी, डी सी, इसको एफ सी, इसको ई सी, एंड सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट है? तो फेस सेंटर क्या होते हैं? कॉर्नर पे हो और एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ क्यू, इसमें कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेसेस। क्लियर है? आ गया सर ने आपको? बिल्कुल सर। तो अब चलिए हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या?
एज लेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल, आप इसे लिखें पर उसको मिटा के लिखते हैं, ठीक है। चलिए सर हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। मतलब हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, अब पढ़ना सर एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल के बेसिस पे। एक्सियल एंगल को ही हम इंटरफेशियल एंगल भी बोल सकते हैं, साइड है एबीसी और एंगल है अल्फा बीटा गामा। इसके बेसिस पे यूनिट सेल को सेवन डिफरेंट टाइप में क्या कर दिया गया, डिवाइड, या क्या दो यूनिट सेल की सेवन डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है, और ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। तो सेवन डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। इनमें सर सब में किसका डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल का। आप सर को नाम बता दीजिए, वो सात कौन से नाम है, तो लिखें आपके सामने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। सर याद कैसे करें, तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़े होती है, तो वही एक जुगाड़ है, प्यारे से तीन नाम, कितने नाम बेटा, तीन नाम, क्यूट, ओम और हार्ट। ये तीन नाम याद कर लो, इन तीनों नामों में क्या है बेटा, बहुत प्यारा नाम है, क्यूट, ओम और हार्ट। तो सर हार्ट की तो स्पेलिंग नहीं होती, ये शॉर्टकट वाला हार्ट है, क्लियर है। तो ये इन तीनों में आपको सातों स्ट्रक्चर छपे हुए हैं सर, कैसे देखो जरा ध्यान से। CU4 बेटा क्या होता है, क्यूबिक, देखो क्यूबिक लिखा हुआ है। TE4 क्या होता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल सिक्वेंस ही लिखे हैं उसमें। और O4 क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक, सर लिखा हुआ है ऑर्थोरोम्बिक। और M4 मोनोक्लिनिक, क्या बेटा, मोनोक्लिनिक। और H4 हेक्सागोनल, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और R4 देखिए क्या लिखा है, रोम्बोहेड्रल। और T4 ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो इसमें सातों नाम छुपे हुए, वैसे ये फर्जी तरीके होते हैं, इनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है, इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको इन सिस्टम के नेम याद करने के लिए किया जाता है। पर कह दो सर हमारे इन्हीं के सहारे तो हमारी जिंदगी चल रही है, फर्जी ना कहो, नहीं तो इन्हीं के सहारे तुम केमिस्ट्री सीख पा रहे ऐसी ट्रिक के कारण, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी नेम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सर बात आती है इनकी एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल कैसे हम याद करेंगे, तो याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक्सियल साइड याद करने का। सर क्या, मैंने सभी साइड को इक्वल लिख दिया, सर आप तो कह रहे थे सबकी अलग अलग होंगी, हाँ अलग अलग है, जरा ध्यान से देखो क्या सारी एक्सियल साइड इक्वल लिख रही, बिल्कुल सर। पर देखो कुछ याद करने का बेहतरीन तरीका है क्या, आप क्यूबिक को पकड़ो और ट्राइक्लिनिक को पकड़ो पहले। क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, जस्ट एक दूसरे के क्या, अपोजिट। क्यूबिक की प्रॉपर्टी आपको याद है, ऐसा मैं मानता हूं कि क्यूबिक में एबीसी क्या होता है, इक्वल, और अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है 90 डिग्री का। इसका जस्ट अपोजिट ट्राइक्लिनिक होता है, इसमें ना ए डज नॉट बी डज नॉट इक्वल टू सी, इसमें इक्वल होते इसमें अनइक्वल, इसमें इक्वल होते हैं इसमें अनइक्वल, इसमें अनइक्वल, ना तो अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है और ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेवन क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम बताओ, तो क्यूबिक होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, क्लियर है। सर बाकी कैसे याद करेंगे, बाकी का भी याद करने का तरीका है, देखो यहां पे आपको एबीसी इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रहे हैं, तो आप एक एक करके अनइक्वल लगाते जाओ। इसमें इक्वल लगे हैं दोनों, एक अनइक्वल कर दो, कर दिया सर, अब दो अनइक्वल कर दो, समझ में आया, ये इक्वल था अब एक अनइक्वल लगा दिया, फिर हमने दो अनइक्वल लगा दिया, अब बना रहने दो, एक बार बना रहने दो, अब एक एक करके अनइक्वल हटा दे जाओ, पहले अनइक्वल लगाए अब अनइक्वल हटाते जाओ, ये वाला हटा दिया तो ये तो बचे ही है ना, अब ये वाला भी हटा तो ये हो गया याद से, बिल्कुल याद हो गया। पहले क्या, एक एक करके अनइक्वल लगाते जाओ, इसमें एक भी नहीं है, एक लगा दिया, फिर दो लगा दिया, एक बार बने रहने दो, फिर एक एक करके हटा दो, इसको हटा दो, फिर इसको भी हटा दो, बन गया सर, आ गया समझ में, बिल्कुल सर। एंगल याद करने का तरीका सर वैसे तो कोई नहीं है, पर तब भी देख लीजिए स्टार्टिंग के तीन क्या है, सेम, लास्ट वाला आपको याद हो ही गया, और जो रोम्बोहेड्रल है वो भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का नहीं है, अल्फा बीटा गामा तो बराबर है पर 90 डिग्री के नहीं है। बाकी दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में आप सभी को पता है अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है और इसमें अल्फा गामा 90 डिग्री का होता है, क्लियर है। इसमें जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है और इसमें जो गामा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता और ना ही 120 डिग्री होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सातों क्रिस्टल सिस्टम के नेम याद कर सकते हैं, उनके एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल। सर पहली बात, इनसे क्वेश्चन कैसे आता, मेन मोटिव तो यही है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया गया कि बताओ क्यूबिक और टेट्रागोनल में क्या डिफरेंस है, तो कुछ नहीं है, आप उनकी साइड लिख दो, एंगल लिख दो, साइड लिख दो, एंगल लिख दो, यही डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल भी होते हैं पर आप एक्सियल साइड एक्सियल एंगल लिख देंगे, मोर देन सफिशियंट होगा, क्लियर। आपसे पूछ दिया
कि ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में डिफरेंस बताओ, एक्सियल साइड और एक्सियल एंगल लिख दो उनके, वही डिफरेंस हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया सर, क्लासिफिकेशन कर लिया। क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन यूनिट सेल के दोनों तरीके से पढ़ लिए। अच्छा अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, हमने यूनिट सेल का अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बताया। क्या सर सातों स्ट्रक्चर को हम मान के चलेंगे? नहीं, हमारे सिलेबस में जो 12th के सिलेबस में लोग पढ़ेंगे वो हम इसको मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, हम स्टडी सिर्फ कौन सी यूनिट सेल की पढ़ेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होते हैं, इसमें भी कॉर्नर 8 होते हैं, इन सब में कॉर्नर 8 होते हैं, वो प्रॉपर्टी वो तो सबके लिए होती है। दूसरी बात, क्या सारे यूनिट सेल को पढ़ेंगे? नहीं, हम पढ़ेंगे सिर्फ किसको, क्यूबिक यूनिट सेल को। अब चैप्टर के आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल को लेके चलेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके अंदर कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर कितने टाइप के, इसके अंदर तो टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है वो हमें पढ़ना है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसे लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो, आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बिल्कुल सर, ध्यान से क्या सुनने वाले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर टोटल अरेंजमेंट की। किसकी? टोटल, जिसे हम लोग ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। क्लियर है? ये होता क्या है, ये कहते हैं कि देयर आर टोटल 14 पॉसिबल अरेंजमेंट। कितने अरेंजमेंट होते हैं? 14 पॉसिबल अरेंजमेंट है, और इन्हीं पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल मतलब सभी यूनिट सेल के अरेंजमेंट को अगर हम मिला दें तो टोटल कितने अरेंजमेंट है, 14, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्या बेटा, ब्रेविस लैटिस। क्या? ब्रेविस लैटिस। सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है सर, आप कुछ और बोलते होंगे से। क्लियर है सर? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, कितने 14 अरेंजमेंट कैसे दिख रहे हैं। देखो यहां पे आपने यूनिट सेल के टाइप पढ़े थे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, 4 पढ़े थे। अब क्यूबिक के अंदर उनमें से कौन से पाए जाते हैं? इसमें से सिंपल पाया जाता है, पॉसिबल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट। बहुत ध्यान से रखना, वैसे रेयर ऑफ द चांसेस है कि एग्जाम में ब्रेविस लेट, तब भी याद रख लेना। पॉसिबल अरेंजमेंट जो क्यूबिक लैटिस में, वो सिंपल लैटिस मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल पाया जाता, और सिंपल वाला अरेंजमेंट पाया जाता, और पाया जाता सर बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो 3 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है सर। आ गया टेट्रागोनल में, अगर हम लोग टेट्रागोनल की बात करें तो सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड पाया जाता सर। कौन सा? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड अकेला। तो कितने अरेंजमेंट हो गए? 2। ऑर्थोरोम्बिक में सारे पाए जाते हैं, इकलौता होता है सर जिसमें सारे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। कितने हो गए सर? 4। और मोनोक्लिनिक में सर 2, सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो बताओ हेक्सागोनल में सर सिंपल सिंपल सिंपल, ये कितने हो गए? 2, ये 1, ये 1, ये 1। तो टोटल अरेंजमेंट देखो जरा, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14। तो टोटल यूनिट सेल में टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हैं? 14, और इन्हीं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। क्लियर है सर? और हम लोग पढ़ने कौन से वाले हैं? क्यूबिक वाला। हमारे सिलेबस में जो हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, आप क्यूबिक के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? अब बस इतना याद रखना कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बताओ जरा क्या बोलते हैं, सिंपल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर समझ में हमें कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, जो कि कितने टाइप के होते हैं? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्लियर है? नाउ वी हैव टू स्टडी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब हमें सर ये पढ़ना है कि एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। वैसे हम लोग मान चुके हैं कि यूनिट सेल क्यूब है, इसलिए हम क्यूब मान के ही चलेंगे। तो आप एक बात बताइए, एक क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल होते हैं? अगर कोई बोले एक, तो बहुत बड़ी गलती है बेटा। एक क्रिस्टल में इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं। तो एक बात बताइए कि एक यूनिट सेल कई सारे यूनिट सेल से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तो सर, तो इसका मतलब है कि अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है, देखो यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर पे। अगर एक यूनिट के सेल के अंदर एटम कॉर्नर पे है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है? क्लियर है? और अगर एटम फेस सेंटर प्रेजेंट है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है? हम ये बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
अब अगर सर कोई एटम बॉडी सेंटर पे क्यूब के अंदर प्रेजेंट है सेंटर में, तो उसका कितना हिस्सा उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें जानना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसमें आप पहले तो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे सर कितने यूनिट सेल है, कितने क्यूब है, आप यही बता दो, क्यूब को ही हम लोग यूनिट सेल मान के चल रहे, कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको इसमें? सर हमें तो एक भी ना दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है और बहुत सारी लाइनें दिख रही। देखो अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देख ले तो एक क्यूब, दो, तीन, चार, क्योंकि ऊपर ये तो दिखता ही है ना, तो एक, दो, तीन, चार क्यूब ही हो गए, पांच, छह, सात और आठ। आप ये देख लें, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक एटम रखा है, और ये कॉर्नर इस वाले सभी आठों क्यूब का कॉर्नर है ये, मतलब पहले वाले क्यूब का भी यही कॉर्नर है, सेकंड वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, मतलब सभी क्यूब का कॉर्नर है ये। अब एक बात बताना आप कि अगर कोई एटम इस कॉर्नर पे हो तो इसका कितना हिस्सा पांचवें वाले पे होगा, पहले यही बता दो। अच्छा बता दो, कितना हिस्सा सिर्फ पांच वाले के अंदर होगा इस एटम का हिस्सा, क्योंकि एटम तो अब ये एटम कहां है, इस वाले कॉर्नर प्रेजेंट, और ये कॉर्नर कितने बटा है, आठ यूनिट सेल में, कितने है? आठ यूनिट सेल में, तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा? सर 1/8, आठ चीजों को, मतलब एक चीज को अगर आठ लोगों में बांटना तो कितना कितना कर देते हैं, 1/8, 1/8 बांट देते हैं हम लोग, क्लियर है? तो वही मैंने बात कही कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, क्या हो, कॉर्नर पे, तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा, 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर आठ यूनिट सेल से जुड़ा रहता है, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से जुड़ा रहता है, आठ यूनिट सेल से, इस वजह से उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा, 1/8। समझ में आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, ना समझ में आए तो इससे ज्यादा बेहतरीन हो नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ याद कर लो, याद करने से भी काम चल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है, कोशिश करना कि समझ में आ जाए बस। अब बात करते हैं सर फेस सेंटर्ड की, तो आप देखिए इसमें आपको दो क्यूब दिख रहे हैं, और ये वाला फेस है, अब ये फेस देखो कितने से शेयर हो रहा है, ये फेस इस वाले क्यूब का भी है और ये वाला फेस इस वाले क्यूब का भी है, तो इसका मतलब है कि अगर इस वाले फेस के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो इसका कितना हिस्सा इस वाले क्यूब में होगा और इसका कितना हिस्सा इस वाले क्यूब में होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल सर, 1/2 इसमें होगा, 1/2 इसमें होगा, बस यही तो मैंने बात कही। तो मैं क्या बात कर रहा कि अगर कोई एटम फेस सेंटर पे है तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में होगा, 1/2, क्योंकि फेस एक फेस सेंटर दो यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा होगा, 1/2। आप सुनो, बॉडी सेंटर सर देखिए क्यूब के अंदर अगर कोई एटम है तो ये तो किसी, अब हम कह रहे बगल में हम खूब एक क्यूब लगा दें, बिल्कुल लगा दिया सर, बिल्कुल लगा दिया, लो तुम्हारी इच्छा, पर ये पूरा का पूरा एटम एक यूनिट सेल के अंदर रखा है तो ये तो किसी से शेयर हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा एक एटम रखा होता है, पूरा एटम, वो किसी से शेयर नहीं करता। ऐसी एज सेंटर पे अगर रखा हो तो एज, एक एज से कितने यूनिट सेल जोड़ सकते हैं, चार, तो उस एक यूनिट सेल में कितने एटम हो सकता है, 1/4। इसका मतलब समझ में आया, 1/8 का मतलब है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसका 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा, अगर कोई एटम फेस सेंटर प्रेजेंट है तो उसका 1/2 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा एटम ही प्रेजेंट होगा, कोई पार्ट शेयर नहीं होगा। अगर कोई एटम ए सेंटर क्या होता है बेटा, जैसे ये एजेस है तो इनकी सेंटर, इन्हें ए सेंटर बोलते हैं, अगर कोई एटम ए सेंटर प्रेजेंट है तो उसका 1/4 हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर होगा या एक क्यूब के अंदर होगा। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, बताओ कॉर्नर पे कितनी शेयरिंग होती है, 1/8, फेस सेंटर पे कितनी शेयरिंग होती है, 1/2, और बॉडी सेंटर पे कितनी शेयरिंग होती है, 1, और ए सेंटर पे 1/4, तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना। अच्छा आपको ये पता है कॉर्नर कितने होते हैं, 8, फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, सॉरी कितने होते हैं सर, 6, हाँ, और बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1, एज कितनी होती है, 12, ये याद होनी चाहिए। और कितना शेयर, अच्छा फिर से बताओ कॉर्नर पे कितनी शेयरिंग होती है, मतलब कितना हिस्सा रहता है, 1/8, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1, एज सेंटर पे 1/4, क्लियर है? तो आप ऐसे बना भी सकते हो, पेपर में ये बनाने को नहीं आएगा, सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं, इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, और ये चीज आपको याद करनी, मतलब हम आपको समझा सकें ये कहां से आया है, क्लियर है? आप इन्हें डायरेक्ट भी याद कर लो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है? तो अब सर हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, किसके बारे में, क्यूबिक यूनिट सेल, और आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, सब तीन टाइप के, कौन से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, याद है ना। इसमें एटम सिर्फ कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे। कहां पे होते हैं सर, कॉर्नर पे। और इसमें कॉर्नर प्लस ईच फेस सेंटर, मतलब इसमें एटम कॉर्नर पे तो होते हैं हर फेस के सेंटर पे, और इसमें कॉर्नर पे होते हैं प्लस बॉडी सेंटर पे। क्लियर है? तो अब हमें निकालना है सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है सर। अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ क्यूबिक, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? इन वन यूनिट सेल, ठीक है, इन वन यूनिट सेल या वन क्यूबिकल यूनिट सेल। क्लियर है, बात करें सर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, बात करते हैं। बिल्कुल सर, तो बताइए। अच्छा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को जानते हो आप किससे नोट करते हो, जेड से। किससे नोट करते हो, जेड से। अभी बता दे रहा हूं मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम पूरा सबको मिला दो तो कितना हिस्सा मौजूद होगा, ठीक है। चलिए आगे समझ, जैसे सर समझ में नहीं आया कि जैसे इस बोर्ड में यहां आधा हिस्सा एटम का प्रेजेंट है, यहां भी आधा हिस्सा प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मिला दो तो एटम का पूरा हिस्सा बोर्ड में कितना प्रेजेंट है, एक। आ गया समझ में, ऐसे निकालना है हमें। तो बताइए, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऐसे कर ले रहे, ठीक है। चलिए सर, पहले इन सिंपल क्यूबिक, फिर हम लोग निकालेंगे इन एफसीसी, और फिर सर इन बीसीसी, इन बीसीसी। बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, बताइए कॉर्नर कितने होते हैं, एट। कॉर्नर पे शेयरिंग कितनी होती है, मतलब कितना हिस्सा मौजूद होता है, वन बाई एट। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, एक। कितना हिस्सा मौजूद रहता है, एक। अच्छा सर बताइए, आपका फेस सेंटर कितने होते हैं, छह। कितना हिस्सा मौजूद रहता है, वन बाई टू। बस यही जानना है, बताइए। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रहते हैं सर, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं, एट। और कितनी शेयरिंग होती है, वन बाई एट। तो एट इंटू वन बाई एट हो गए सर। कैसे, जरा ध्यान से एक बता दे रहा हूं, बाकी फिर आप देख लेना, ठीक है। चलिए सर, लो 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 लो, ये एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर। ये कौन सा यूनिट सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पे कितना हिस्सा प्रेजेंट है, वन बाई एट। ये वन बाई एट, ये भी वन बाई एट, वन बाई एट, वन बाई एट, वन बाई एट, वन बाई एट और वन बाई एट। तो इन सबको जोड़ दो तो एट इंटू वन बाई एट हो जाएगा, क्लियर है। प्लस और कहीं प्रेजेंट होता, बिल्कुल नहीं। तो सर कितना आ गया, एक। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं, एक। एफसीसी की बात करें सर, एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, बताइए कहां होते हैं सर, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, एट। कितना शेयरिंग होती है, वन बाई एट। चलिए आ गया सर, फेस सेंटर में और कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और हर फेस के सेंटर पे। फेस कितने होते हैं, छह। और फेस पे कितना हिस्सा मौजूद रहता है, वन बाई टू। तो बताओ ये कितना हो गया, वन, ये थ्री और ये फोर आ गया सर। चलिए बीसीसी सर, बीसीसी कॉर्नर पे तो होते ही है, तो सर एट इंटू वन बाई एट, बिल्कुल आ गया सर। अब बताइए, और बॉडी सेंटर में कहां मौजूद रहते हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है, एक। कितना हिस्सा मौजूद रहता है, एक। तो कितना हो गया, एक प्लस एक दो, तो आ गए। सिंपल क्यूबिक में एक एटम आया, एफसीसी में चार आया, बीसीसी में दो आया। एक शॉर्ट ट्रिक भी, आप डायरेक्ट एटम याद रख सकते हैं सर, कैसे। वैसे इसका सिंपल मतलब होता है, इसका फेस सेंटर्ड होता है, इसका बॉडी सेंटर। हमने एक अपने मतलब से एक मतलब निकाला है जिससे आप डायरेक्ट एटम याद कर सकते हैं, फर्जी तरीका। मान लो एस पर सिंगल, सिंगल का मतलब एक हो गया सर याद। एफ का मतलब फोर, तो फोर सर फोर हो गया याद। और बी का मतलब बाई, बाई मतलब क्या होता है, दो, दो हो गया याद। सर बहुत बढ़िया, इस तरीके से भी हम लोग एटम को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आ जाए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो इसी तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब बस एक चीज और बची है, बताइए क्या सर, कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमें रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन। क्या निकालना है, रिलेशन। जरा ध्यान से देखिए, क्या निकालना है सर, रिलेशन। ये देख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल आ गया सर, आ गया ना। चलिए सर एक चीज और सीखनी है, क्या, रिलेशन। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, अगर आप समझ पाए रिलेशन। तो हमें बताइए क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी चीजें पढ़ी, पहली हमने निकाली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, दूसरा है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। सर ये ए और आर क्या है, ए है एज लेंथ, क्या है बेटा, एज लेंथ होगी यूनिट सेल की, और यूनिट सेल हम किसको मान के चल रहे हैं, क्यूब को, और आर इज द रेडियस ऑफ एटम। एक बात मैं आपको और बता दूं,
हम लोग एटम को स्फीयर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? दो बात मान के चलो, अब यूनिट सेल हम जब भी बोलेंगे तो समझ लेना क्यूब बोल रहे, और जब भी हम एटम बोले तो समझ लेना स्फीयर बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? स्फीयर। तो एटम को क्या मान के चलेंगे सर? स्फीयर। तो चलिए सर देखते हैं रिलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, किसमें? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में चौक ले लू थोड़ा कलर्ड एक और। चलिए सर सिंपल क्यूबिक अब बात करते हैं। इसमें होता क्या है जरा ध्यान से देखिए। सिंपल क्यूबिक आप सभी को पता है, एटम कहां होते हैं सर? अरे एटम कहां होते हैं इसमें? एटम होते हैं सर कॉर्नर पे। कहां पे? कॉर्नर पे। अब होता क्या है, आप लोगों को लग रहा है ये एटम टच नहीं कर रहे, ये तो पता है सबकी साइड कितनी है, ए क्यूब है तो सबकी साइड कितनी होगी? ए होगी। चलिए आपको देखो, आपको बनाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं कि एटम टच नहीं कर रहे, पर रियल में एटम क्या करते हैं? टच। रियल में क्या करते हैं? टच। तो आप यहीं से रिलेशन निकाल सकते हो। देखो हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं इसे। रियल में सर ये क्या करते हैं? टच। देखो सिर्फ इसको बनाए, ये और ये देखो टच करते हैं। इसमें नहीं दिखाया पर मैंने इसमें दिखा कि ये टच कर रहे हैं, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी। आप इसको अलग से भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। ये लेंथ कितनी होती सर? ए। कितनी होती? ए। चलिए और आपको पता हो कि रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है? आर। ये भी कितनी हो जाएगी? आर। तो ए बी बराबर कितना हो गया सर? ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी होता और ए बी बराबर कितना हो गया? टू आर। तो रिलेशन आ गया ए आर में, ए बराबर टू आर आ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं। कॉर्नर एटम आपस में क्या करते हैं? टच। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं। आगे सुन में, ये इससे टच करेगा, देखो ये किससे टच करेगा? इसके बगल वाले कॉर्नर इससे टच करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इसके ऊपर भी होगा उससे भी टच करेगा, ठीक है। आगे सुन में चलिए, तो सिंपल क्यूबिक में रिलेशन ए आर के बीच में क्या है? ए बराबर टू आर। अब कौन सा बचा है सर? अब बचा है हमारा एफ सी सी और बी सी सी। एफ सी सी और बी सी सी। तो एफ सी सी की बात करते हैं, करते हैं। चलिए सर देखो यहां पे FCC का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबको याद है? बिल्कुल याद है सर। FCC में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर पे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो ये मैंने कॉर्नर बना दिए और फेस सेंटर पे भी होते हैं। फेस सेंटर मतलब यहां 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 यहां, क्लियर है? तो बेटा आपको लग रहा है कि अभी दिख बात है रखना कि FCC में कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करती, ये एटम आपस में टच नहीं करेगी। ये बात को नोट करना कि FCC में कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते। तो सर कौन से एटम टच करते हैं? ये जो फेस सेंटर देख रहे हो, ये अपने एडजेसेंट कॉर्नर से टच करेगा, ये इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, क्लियर है? अगर हम इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें सी, और इसको नाम बस ए बी सी नाम दे दें। तो बताना जरा ध्यान से, ये बना दिया हमने ऐसे, क्लियर है? ये इन चारों से टच करेगा तो हम ये वाला एटम बना ले रहे, ए से टच करेगा, बिल्कुल सर। तो बना लो आप, जी बना दिया। ये इससे टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा। हमने क्या बोला था कि कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करेंगे, पर जो फेस सेंटर का एटम है वो अपने एडजेसेंट कॉर्नर एटम से क्या करेगा? टच। अपने एडजेसेंट कॉर्नर एटम से क्या करेगा? टच। कर लिया। ये वाला टच करेगा इससे? बिल्कुल करेगा। और देखिए ये कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं कर रहे। आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। आपने क्या नाम दिया था यहां पे? ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब इसमें पहले R का रिलेशन देखो, कोई निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है सर। ये R है, ये 2R है और ये R है। तो AC बराबर कितना हो गया? 4R। कितना हो गया? 4R। अब सर रिलेशन निकाल लो। अच्छा इसमें और कुछ वैल्यू गिवन है? बिल्कुल। देखो एज लेंथ कितनी होती है? A। और ये भी कितनी होती है? A। क्योंकि सारी एज लेंथ कितनी होती है सर? A। तो हमें ये भी पता है सर, ए बी बराबर ए होता है और बी सी बराबर भी क्या होता है, इतनी चीजें हमें पता है। तो अब बताओ इसमें कुछ रिलेशन निकल सकता है? बिल्कुल। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। AC स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। एबी की वैल्यू देखो कितनी है? ए। और बीसी की? ए। तो कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2A स्क्वायर। तो बताओ यहां से स्क्वायर हटाओगे तो वहां क्या आएगा? अरे लो सर, √2A स्क्वायर। ए स्क्वायर का रूट कितना होता है? ए। और रूट टू का रूट? रूट टू। तो ए सी बराबर ए रूट टू हो गया। और ए सी बराबर आपको और कितना गिवन है सर? 4R। तो अब आ गया 4R बराबर ए रूट टू। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर
फोर आर अपॉन रूट टू, बिल्कुल। इसको जब आप रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रूट टू का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट टू का मल्टीप्लाई नीचे, तो रिलेशन आ जाएगा ए इक्वल टू टू रूट टू आर, टू रूट टू आर। ये आ गया एफसीसी में रिलेशन आ गया। बताइए एफसीसी में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक में होते हैं। इसमें जो फेस सेंटर एटम होता है वो चारों कॉर्नर से टच करता है, उसके बेसिस में पहले हमने आर निकाल लिया और फिर आर ए के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशन। तो आपको रिलेशन याद हो गया, सिंपल क्यूबिक में क्या था, ए बराबर टू आर, एफसीसी में ए बराबर टू रूट टू आर। एक और बच्चा सर बताइए कौन सा, बी सी सी बनाए, इसको लिख लिया आपने? बिल्कुल सर, स्टॉप करके मैंने स्क्रीन शॉट भी इसका ले लिया है। स्क्रीन शॉट तो कैसे कहीं नहीं ले पाएंगे, मतलब लिख लिया अगर स्टॉप करके उससे। अब कौन सा बचा है सर, लास्ट बचा है सर, लास्ट बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें तो सर आप बताओ एटम प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, इसमें बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम लोग पास दिमाग तो है ही, बिल्कुल है, दिमाग खर्च भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। बताओ एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब कॉर्नर पे, ये हो गए कॉर्नर, ठीक है, हो गए सर। और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के सेंटर। और एक खास बात, इसमें भी कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते, तो सर ये बॉडी सेंटर दिख रहा है, ये आठों कॉर्नर से टच करता है, तो सर आपने तो दिखाया नहीं, हमने क्या बोला था, हम इसमें नहीं दिखाएंगे, पर रियल में ऐसे ही होता है कि ये बॉडी सेंटर का एटम आठों कॉर्नर से टच करेगा, ये इससे ये भी टच करेगा, इससे ये भी टच करेगा, ये चारों टच करेंगे और ये चारों भी इसी से टच करेंगे, क्लियर है। तो सर आप क्या क्या करें, ट्राइंगल बन रहा कहीं, बिल्कुल बना देंगे, जहां नहीं बन रहा वहां हम लोग बना देंगे, ये बन गया और ये बन गया, क्लियर है। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है सर। जरा ध्यान से देखो, आप ये देखो, इससे ये टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा, बॉडी सेंटर से तो सारे कॉर्नर टच करते हैं, इससे ये भी टच कर रहा है, इससे ये भी टच कर रहा है, तो चलिए बनाइए सर, बनाए क्या। और एक बात बताइए सर, और किसी से, इससे ये टच कर रहा है, इससे ये भी टच कर रहा है और इससे ये भी टच कर रहा है, तो बनाओ। इससे ये वाला बनाते हैं पहले, कौन सा, ये ए वाला लो, और अब ये वाला बना दो, बी वाला सर लो सर बना दिया, अब ये सर सी वाला बना दो, सी वाला भी इससे टच कर रहा है, लो बन गया, बिल्कुल बन गया, बन गया, ये दोनों एक ही साइड हैं, ठीक है सर। अब इनको मिला दो जरा इनके सेंटर को, ये ए है, ये सी है और ये क्या है, बी है, तो सर उल्टा ट्रायंगल बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा होता इसमें कोई ऐसे तीन है जो टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये तीनों टच कर रहे हैं, तो ये आर टू आर और ये आर, तो ए भी बराबर कितना हो गया, फोर आर, और कुछ गिवन है, देखो जरा इसमें, ये सर बी सी कितनी होगी, ए, एज लेंथ है ना ये, तो बी सी बराबर कितनी है, ए, और कुछ हमें चाहिए क्या सर, ए सी चाहिए होगी। अच्छा आपने इससे पहले ही देखा होगा, हम लोगों ने यही लेंथ निकाली थी और वो कितनी आई थी, ए रूट टू, कैसे, ये सर ए है और ये कितनी है, ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ए सी बराबर कितनी आ जाएगी, ए रूट टू, कितनी आ जाएगी, ए रूट टू। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो इसके पहले हम लोगों ने यही लेंथ निकाली थी, तो आप देख लेना वहां पे ए रूट टू ही आई थी। तो आप एक पहले क्या करोगे, इन ट्राइंगल इसको मान लो डी, ए डी सी मान के आप ए सी निकाल लेना पहले, फिर आप ये अलग ट्राइंगल मानना, ठीक है। तो अब मानेंगे हम लोग सर ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी, लो ए बी सी मान लिया सर। इसमें बताओ हाइपोटेनस कौन सी है सर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है सर, ए रूट टू, ए रूट टू का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू सर ए स्क्वायर, ये ए रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, थ्री ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ए बी स्क्वायर बराबर थ्री ए स्क्वायर, और सर ए बी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर आएगा रूट थ्री ए स्क्वायर आ गया, सॉरी 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 सर, हाँ बेटा ए स्क्वायर का रूट कितना होता है, ए, और रूट थ्री का रूट कितना होता है, ए रूट थ्री, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए रूट थ्री, और ए बी बराबर हमारे पास क्या है, फोर आर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रूट थ्री बराबर फोर आर, क्लियर है। तो बताइए, तो सर ए बराबर फोर आर अपॉन रूट थ्री, ये आ गया रिलेशन, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने तीनों में रिलेशन निकाल लिया, इसको आप बहुत कायदे से लिख लो सर, निकाला कैसे फिर बता दे रहा हूं मैं,
ये वाली डिस्टेंस आपको दिक्कत दे रही होगी, तो पहले क्या करना है, इन ट्राइंगल एडीसी मान लेना, ये आपको पता है, ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एसी निकाल लेना, फिर इसके बाद ये वाला ट्राइंगल मानना, ठीक है, और इस ट्राइंगल को मानने के बाद आप ये डिस्टेंस निकाल के इसके बराबर रख दे, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा एक बात और ध्यान से, क्या सर, हमें क्या देखना होता है निकालने के समय, ER रिलेशन के समय, ये देखा करो कि कौन से एटम टच कर रहे हैं, कौन से एटम टच कर रहे हैं, और जितने लगातार टच कर रहे हैं उनको बना लो एक साथ, तो उससे हम लोग ट्राइंगल बन जाता है, फिर हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। क्या सर पेपर में डेरिवेशन आते हैं? अभी तक तो कभी नहीं आए डेरिवेशन, फॉर्मूले का जरूर यूज होता है, तो आप डेरिवेशन पेपर में अभी तक नहीं आए, पर कोशिश किया करो कि डेरिवेशन समझ लिया करो, और ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। तो अगर हम एक साथ इनको लिखें ऐसे कि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ ली हैं सर, क्या बताओ, हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया सर, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ लिया, एफसीसी पढ़ लिया, ठीक है सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना इस पे, बहुत ध्यान से सुनना कि सर इसमें रिलेशन क्या आया, ए बराबर टू आर, इसमें आया ए बराबर फोर आर अपॉन रूट थ्री, और इसमें आया ए बराबर कितना सर, टू रूट टू आर, तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, क्लियर है, आ गया। अब एक बात और, इन पे बेस न्यूमेरिकल भी है, तो अब हम इन पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे और फॉर्मूले पे बेस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, तो अब दोनों पे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है सर। चलिए सर अब हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं, अभी तक हम लोगों ने सर जो पार्ट बी में पढ़ा, देखिए पार्ट ए पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, पार्ट बी पे बेस दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं सर। पहले न्यूमेरिकल में हमें यह सीखना है कि डिटरमाइन द फॉर्मूला, आपको कुछ जानकारी दी जाएगी उस पे बेसिस पे आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और दूसरा आपने जो रिलेशन पढ़े इस पे बेस न्यूमेरिकल होगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल। तो आपको कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए सर, क्या कि कॉर्नर कितने होते हैं 8, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, बॉडी सेंटर 1 और कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना होता है 1, बस इतनी चीजें याद रखनी है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन लग जाएंगे सर। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, जो चीजें गिवन है आप लिख लो, फिर आप निकालने की कोशिश करो, आराम से निकल आएगा। न्यूमेरिकल मतलब लगाना, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है, आप देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब न्यूमेरिकल आपको बोलता है कि बेटा हमें लगा लो, खत्म हो जाता है वहीं पे। देखो ये कह रहा है कि अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, कह रहा है एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, पी और क्यू। तो चलिए हम लोगों ने दो एलिमेंट बना दिए पी और क्यू, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, पी और क्यू दो एलिमेंट है, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि पी ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ क्यू, वो खुद ही बोल रहे हैं कि पी कहां पे है, कॉर्नर ऑफ क्यू पे, कॉर्नर ऑफ क्यूब कहां बेटा, पी है कॉर्नर ऑफ क्यूब पे, बोल दिया सर। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एंड क्यू ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर, क्यू कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। तो लो आधी जानकारी, पूरी जानकारी तो दे दी उन्होंने, अब क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला निकालना है किसका, कंपाउंड का, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखना, कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर ऑफ क्यूब। अच्छा आप एक बात बताओ कि कॉर्नर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर कितने होते हैं सर, 8, कितनी कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो कितना आ गया 1, आ गया सर बिल्कुल। बॉडी सेंटर कितने होते हैं 1, कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है, तो कितना आ गया 1, तो नंबर ऑफ पी कितने हैं 1, क्यू कितने हैं 1, तो बेटा आराम से निकल आता है सर। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हो, पी रेशियो क्यू, पी कितने हैं 1, क्यू कितने हैं 1, तो पी और क्यू 1 है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, हाँ सर, तो फॉर्मूला भी आ गया, जैसे ही सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए तुरंत फॉर्मूला आ जाता है, पी कितने हैं 1 और क्यू कितने हैं 1, आप लिख सकते हो पी वन क्यू वन, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पी क्यू, आ गया सर, बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ो, जो जानकारी के बिना वो लिखो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ठीक है, चलिए सर ये सॉल्यूशन था। अब हम लोग पढ़ते हैं सर इसका सॉल्यूशन कि ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम, एक एलॉय है, हमें ज्यादा जानकारी, मतलब एक एलॉय है जो दो चीजों से मिलकर बना है, गोल्ड और कैडमियम, क्रिस्टलाइट विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है AU और कैडमियम का CD, इन वाले केस में आपको सिंबल तो याद होनी चाहिए। तो गोल्ड और कैडमियम से मिलकर बना है विथ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, किससे मिलकर बना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर से। इन विच गोल्ड एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ, मतलब गोल्ड आइटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, देखो खुद कह रहा है कि गोल्ड आइटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर, तो गोल्ड ये है तो गोल्ड बेटा कॉर्नर पे है, कहां पे है, कॉर्नर पे, चलिए। एंड कैडमियम आइटम फिट इनटू द फेस सेंटर,
ये कहां प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पे। आप कह रहे हैं सर डिटरमाइन द फॉर्मूला, बहुत आसान है सर, कॉर्नर कितने होते हैं 8 और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 से 8 कटे कितना आ गया 1। फेस सेंटर सर कितने होते हैं 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और ये 2, 3, 6 कितने आ गए 3। अब रेशियो निकाल लो सर, रेशियो कैसे निकालना जरा ध्यान से देखना, एयू रेशियो कैडमियम, एयू कितने है 1 और ये कितने है कैडमियम 3, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या सर? अब 1 और 3 को और डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट है। तो ये फॉर्मूला भी आ गया सर, कैसे देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, एयू कितने है 1 तो एयू, सीडी कितने है तो 3 तो सीडी 3 आ गया। तो कुछ लोगों का होगा सर ये 4 लग रहा है, 4 नहीं है बेटा, ये एयू है, क्लियर है, क्या है एयू है, ठीक है, आ गया सर में, चलिए सर। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो इस तरीके पे फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर लेंगे। ये तो एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है 2010 में, ये पेपर में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। अब हम लोग सर पढ़ते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल, कि आपको इन रिलेशन पे बेस न्यूमेरिकल दिया जाएगा। सर कैसे? आपको ए दिया जाएगा, आर निकालना होगा, या आर दिया जाएगा, ए निकालना होगा। उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्या रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, रूट थ्री की 1.7321, और ये एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10^-12 मीटर, और नैनोमीटर 10^-9 मीटर, यूनिट भी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप लिखो फिर हम लोग वाले न्यूमेरिकल करते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, लिखो। चलिए सर ये सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल है, मैंने बोला था पहला है फॉर्मूला टाइप और दूसरी न्यूमेरिकल है जो इस पे बेस है। सर किस पे? रिलेशन पे। आपको पता है सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या होता है, ए बराबर 2r। अच्छा आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला तभी आप लगा सकते हो जब आपको पता हो उनके वर्ड का मतलब। ए का मतलब क्या होता है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या फिर लेंथ ऑफ यूनिट सेल भी बोल सकते हो। और आर का, आर का होता है सर रेडियस ऑफ एटम। एक बात रखना दोनों की यूनिट सेम रहेगी, तो अगर जो यूनिट इसमें दी जाए वहीं पे आप रख सकते हैं जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए बराबर 2r, ए बराबर 4r/√3 और ए बराबर 2√2r। अब क्वेश्चन आता है सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं? आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, या तो सिंपल क्यूबिक गिवन होगा, बीसीसी या एफसीसी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। और क्वेश्चन है द एजेस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, द एज, एज लेंथ मतलब द एजेस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज 400 picometer। मतलब आपको एज लेंथ दी गई है कितनी, 404 picometer, और एज लेंथ क्या होती है, ए बेटा, तो ए बराबर 404 picometer। तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि आप पिकोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो नहीं करेंगे हम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, कहीं बोला नहीं, रेडियस निकालनी है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं इसके लिए, आप देखो कौन सा यूनिट सेल है, एफसीसी। तो आप सभी को पता है कि फॉर एफसीसी, एफसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 2√2r। तो क्या होता है सर, ए बराबर 2√2r, तो हमें तो r निकालना, तो r बराबर क्या हो जाएगा सर, a अपॉन 2√2, क्लियर है। तो a की वैल्यू कितनी है सर 404, 2 और रूट 2 की 1.414, आप जब सॉल्व करोगे तो 142.8 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कितना 140, या फिर यहां लिख दो अगर नहीं देखे तो 142.8 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सर ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, कह रहे हैं क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब आपको यूनिट सेल बोल दिया बीसीसी, तो आप तो मतलब समझ आ गया कि बीसीसी यूनिट सेल है। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेंथ दिया गया, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज फाउंड टू बी इतना। लेंथ का मतलब क्या होता है सर, ए, आपको ए दिया गया 287 पिकोमीटर, क्लियर है। कैलकुलेट द एटमिक रेडियस ऑफ क्रोमियम, एटमिक रेडियस ऑफ क्रोमियम मतलब सर क्या निकालना है, आर निकालना है, क्लियर है। तो आप सभी को पता है कि आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 4r/√3, क्लियर है, आ गया। सर ये बता दीजिए कि ए हमें क्या के बने सर, आर निकालना है मैं तो लू, तो सर आर बराबर हो जाएगा ए रूट 3/4, कितना हो जाएगा ए रूट 3/4, ए कितना है 287 और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321 लगा दो और 4 रख दो आप, जब आप रख दोगे तो लगभग 124.8 picometer आ जाएगा, समथिंग समथिंग, ठीक है, इतना ही आ जाएगा, आ गया, देख लेना लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या ऐसे टाइप के सर न्यूमेरिकल आएंगे। और अब पार्ट फर्स्ट के न्यूमेरिकल खत्म हो गए, अब हम लोग पार्ट सेकंड में डिस्कस, पार्ट थर्ड जो पढ़ेंगे उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर।
चलिए।